कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको मजेदार से गुलाब जामुन बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हैं और परेशानी की कोई बात नहीं है। अक्सर लोगों के गुलाब जामुन या तो टूट जाते हैं या तो शीरे में डाल के फूल जाते हैं बहुत ज्यादा और बिखर जाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इससे बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन आपके बनेंगे। इंग्रेडिएंट मेरे पास है, मैंने लिया है 1.5 कप दूध, ड्राई मिल्क पाउडर, कोई सा भी ले लें, चाहे नीडो ले लें या चाहे जो भी आप यूज करते हैं, बहुत सारे आते हैं वो, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं ड्राई मिल्क पाउडर। साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 5 से 6 अदद साबुत हरी इलायची ली है और 1/4 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई इलायची का पाउडर, 3 कप चीनी है, लेमन लिया है, इसमें 1/2 लेमन मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो मैं यूज करूंगी। साथ ही मेरे पास है 4 टेबल स्पून घी। मैंने एक पैन लिया है, हमने सबसे पहले गुलाब जामुन का शीरा तैयार करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। साथ ही इसमें जाएगी 3 कप चीनी जो मैंने आपको भी दिखाई थी, और हम इसको अब डिसॉल्व कर लेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि हमारा शीरा जो है वो तैयार हो जाए। साथ ही इसमें शामिल करूंगी मैं हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने इस तरह से लेके खोल लिया है इसका मुंह, उसमें मैं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस हम इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ कि जब अक्सर आपने देखा होगा गुलाब जामुन के ऊपर चीनी किसी किसी की जो है वो जम जाती है और मुंह में खाने में फील होती है, तो ये जब आप लेमन डालेंगे तो ये इसको क्रिस्टलाइज होने से रोकेगी चीनी को। देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पकने देंगे, जब तक हमारा शीरा तैयार होगा हम गुलाब जामुन का बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए मैदा जो था 1/2 कप, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, वो मैं इसमें डाल दूंगी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको साइड पे रख दिया है। मिल्क पाउडर जो हमने लिया था इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ घी, घी शामिल करने के बाद इसमें मैंने डालना है इलायची पाउडर, और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है दूध की मदद से। जो नॉर्मल दूध होता है मैंने लिया है 1/2 कप रूम टेम्परेचर पे, और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है दूध, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने इसमें शामिल करना है मैदा, मैं इसमें डाल रही हूँ। हमने इसको गूंदना नहीं है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा आप इसको गूंदेंगे आपके गुलाब जामुन उतने ही ज्यादा सख्त बनेंगे। आपने इसको बस चम्मच की मदद से, किसी भी स्पैच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। देखिए ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारी गुलाब जामुन की डो जो है वो तैयार हो गई। अब हमने इसको ज्यादा गूंदना नहीं है, मैंने जितना आपने साइज में लेनी है वो आपने ले लिए, इस तरह से बॉल बना बना के मैंने इसको एक प्लेट में रख दिया। देखिए इंडिया ही सॉफ्ट है, ग्रीसी भी है, स्टिकी नहीं है, मेरे हाथ में स्टिक नहीं हो रही है ये। अब मैं इसको बहुत अच्छे से इस तरह से बॉल बना लूंगी।
सारी बॉल्स मैं इस तरह से आपको बनाकर दिखाती हूँ। साइज डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की जाने। देखिए हमारे पास शीरा यहाँ पक रहा है। शीरे की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको चेक करा देती हूँ अभी। देखिए यहाँ पे हमारा शीरा जो है ये तैयार हो गया है तकरीबन। ये देखिए इस तरह से चिपक रहा है। आपने इसको एक तार या दो तार नहीं बनाना है, हमने जस्ट इस तरह से देखिए ये स्टिकी सा हो रहा है, बस हमने इसकी यही कंसिस्टेंसी रखी है। इसका सेम जो है शीरे का वो मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था। हमारा ऑयल बहुत ज्यादा तेज खौलता हुआ भी नहीं होना चाहिए कि डालते ही जो है आपके गुलाब जामुन जो है वो काले हो जाए। बस मीडियम हो इतना कि अगर आप उसके अंदर अपनी फिंगर डालें तो आपसे बेयर ना हो, थोड़ा सा जले हाथ, इस टाइप का ऑयल होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर जो मैंने बॉल्स बना ली थी बैटर की वो मैं शामिल करूंगी एक एक करके। हमने इसको बिल्कुल भी चम्मच से चलाना नहीं है, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से मैं सारी बॉल्स इसमें डाल दूंगी। हाफ बॉल्स देखिए मैंने इसमें डाल दी है और मैंने चमचे को इस तरह से रख के ऐसे हिलाना है बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथ के साथ, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो है वो टूटे ना। बहुत एहतियात के साथ जो ऊपर आ चुके हैं फ्राई होकर मैं खाली उनको इस तरह से हिला रही हूँ चम्मच से। जो भी आपने कलर रखना है डार्क या लाइट, वो कलर आपका जब आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और शीरे में डाल देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि शीरा ठंडा ना हो और ना ही बहुत ज्यादा खौलता हुआ हो, गरम शीरा होना चाहिए। शीरा मेरे पास तैयार हो चुका था जो मैंने आपको दिखाया, तो मैंने इसको दूसरी तरफ रख के इसका स्टोव बंद कर दिया है और इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि वो ठंडा ना हो। देखिए हमारी बॉल्स जो है वो फ्राई हो रही है इस तरह से। आपने इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है ताकि अच्छे तरीके से हर तरफ से इसका कलर आ जाए, कहीं से कच्चा ना रहे। शुरू में जो मैंने दो तीन डाले थे देखिए उसके कलर आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और होने दूंगी कि एक तरफ से ये थोड़ा सा वाइट वाइट है अभी। देखिए ये कलर हमारा जो था आ चुका है गुलाब जामुन का। मैं इसे ज्यादा गहरा रंग नहीं करूंगी इसका, आप चाहे तो इसको और डार्क कलर दे सकते हैं। देखिए ये इसके ऊपर कलर आना शुरू हो चुका है बिल्कुल सब इक्वली बिल्कुल इस तरह से। देखिए मैंने इसको बिल्कुल हिलाना है, जोर जोर से चम्मच ना चलाइएगा। गुलाब जामुन निकालने के बाद मैंने इसको शीरे में डाल देना है इस तरह से। गरम शीरा होना चाहिए आपका। इस तरह से करके मैं सारे गुलाब जामुन इसमें डाल रही हूँ और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ढककर रखूँ ताकि अच्छे तरीके से शीरा जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। मैं कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं गुलाब जामुन को, 15-20 मिनट हो चुके हैं शीरे में गए हुए। ये देखिए हमारे पास मजेदार से गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है और देखिए ये शीरा भी पी चुके हैं। अब मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। जनाब हमारे मजेदार से गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, जरूर ट्राई कीजिए इसको, बहुत इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आसानी बन जाएगी, ना टूटेंगे ना ही ये शीरे में बिखरेंगे। बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आप इसी को फॉलो करके बना के देखिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।